कि आज हम अपने फर्स्ट रोड ट्रिप पे जा रहे हैं। मेरे को लगा था कि हम शाम को निकल रहे हैं तो पता नहीं किस तरह के दर्शन होंगे, होंगे या नहीं होंगे। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक ही जगह पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जरूर आना है। मेरा नाम है जयश्री एंड दिस इज माय चैनल लाइफ इज ब्यूटीफुल। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि आज हम अपने फर्स्ट रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और वो रोड ट्रिप है उज्जैन के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि उज्जैन में महाकालेश्वर है, शिव जी का बहुत बड़ा मंदिर है, पूरे इंडिया से लोग आते हैं यहाँ पर। मैं एक बार उज्जैन जा चुकी हूँ और आज का ओकेजन खास इसीलिए है क्योंकि आज है 16th of March, आर्या 4 महीने की जो है कंप्लीट हो चुकी है, तो इसीलिए हमारे लिए बहुत स्पेशल था कि इसको हम फर्स्ट टाइम किसी ऐसी जगह ले जाएं फर्स्ट रोड ट्रिप पे जो कि बहुत खास हो हमारे लिए। तो क्योंकि मैं शिव जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ तो इसलिए मैंने सोचा कि इसकी भी फर्स्ट विजिट जो है ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर शिव जी की बहुत मान्यता हो। ऐसे में हमारा जाना तो बिल्कुल बनता था क्योंकि हम इंदौर में रहते हैं और वो बहुत ही पास है। जा रहे हैं जहाँ पे इतनी दूर दूर से लोग आते हैं और अपने आप को बहुत लक्की मानते हैं कि वो यहाँ पे आके शिव जी के दर्शन कर पा रहे हैं, तो इसीलिए हम भी जा रहे हैं आज उज्जैन। तो शादी से पहले जब मैं चंडीगढ़ में रहती थी तो वहाँ पर जब भी हम कोई नया व्हीकल लेते थे या कोई खास ओकेजन होता था तो हम हमेशा माता मनसा देवी जाते थे। वहाँ पर बहुत मशहूर है, हिमाचल में है, पंचकूला में है, बहुत सारे हैं। तो माता मनसा देवी काफ़ी मशहूर है, कहते हैं कि वहाँ पे माता का दिल गिरा था तो इसलिए वहाँ पे माता मनसा देवी मंदिर बना दिया गया, तो इसीलिए हम वहाँ पे हमेशा जाते थे। यहाँ पे ऐसा कोई पास में मंदिर है नहीं, पता नहीं, हम तो जाते नहीं क्योंकि इंदौर शहर में हम इतना ज़्यादा घूमे नहीं है। तो हमने सोचा कि किसी ऐसी जगह पर जाया जाए जहाँ पर हम फर्स्ट रोड ट्रिप भी सेलिब्रेट कर सकें और आर्या के लिए वो बहुत ज़्यादा खास भी हो क्योंकि जब ये बड़ी हो जाएगी तब हम इसको बताएंगे कि आपके 4th मंथ पे हम आपको उज्जैन लेके गए थे, तो इसको भी अच्छा लगेगा। हो सकता है कि इसकी भी आस्था शिव जी में ही हो जाए बिल्कुल मेरी तरह। सो इसीलिए आज हम जा रहे हैं और फर्स्ट रोड ट्रिप जो है थोड़ा सा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है वैसे, और थोड़ा सा डर भी लगता है क्योंकि हाईवे है, फर्स्ट टाइम हाईवे पे ड्राइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सो ये है शिप्रा नदी जिसके तट पे उज्जैन बसा हुआ है। सो पहले हमारा प्लान था कि हम सुबह निकलेंगे क्योंकि सुबह मौसम भी ठीक रहता है, साथ में जो है जल्दी दर्शन भी हो जाते हैं, आप लेट नहीं होते हैं। लेकिन हमने सोचा कि सुबह चलते हैं, लेकिन आर्या कल रात को इतनी लेट सोई, उसकी वजह से मैं इतनी लेट सोई, तो इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा सा लेट निकलेंगे, इसके उठने का वेट करते हैं क्योंकि इसको कच्ची नींद में उठाना भी ठीक नहीं लगा था मुझे।
मुझे लगा कि ठीक है थोड़े आराम से करेंगे। वो आराम करते करते खाना खाते और सब कुछ करते हुए दोपहर हो गई और इस वक्त जो है 6 बजने वाले हैं और अभी हम जो है उज्जैन मंदिर पहुंचने ही वाले हैं। मुझे लगता है कि जब तक हम वापस निकलेंगे तब तक अंधेरा तो हो ही जाएगा और अंधेरे में थोड़ा और डिफ़िकल्ट होता है ड्राइव करना, लेकिन देखते हैं कि ये हमारा जो है सफ़र कैसा रहता है। क्योंकि जहाँ तक रात को ड्राइव करने की बात है तो जब से हमने कार ली है ना तब से हम रात को ही ड्राइव कर रहे हैं, सो होपफुली वो एक्सपीरियंस हमें काम आएगा और हाईवे पे भी ड्राइव किया है तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। सो लेट्स सी अंदर दर्शन करने में कितनी देर लगती है, क्योंकि वहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगती है कि एटलीस्ट आप 2 से 2.5 घंटे तो मान के चलिए, क्योंकि वहाँ पे पहले एक लंबी लाइन लगेगी फिर वो एकदम से क्लियर होगी फिर आप नेक्स्ट लाइन में लग जाएंगे, फिर ऐसे कर करके 6-7 बार जो है आपको लाइन में लगना पड़ता है तब जाके दर्शन होते हैं, वो भी 5-7 सेकेंड के, जल्दी से जल्दी वो लाइन से निकाल देते हैं। पहले तो यही सिस्टम था, पता नहीं कोविड के बाद में उन्होंने क्या सिस्टम कर दिया है। लेट्स सी आज दर्शन करने में कितना टाइम लगता है। सो हमने एंटर कर लिया है उज्जैन सिटी में और यहाँ पर ये गेट देखिए, मुझे लग रहा है कि अब आ ही गए हम शिव की नगरी। Turn right onto Hari Fatak over bridge, Madhya Pradesh State Highway 27. अभी हम मंदिर से थोड़ी सी दूर हैं और उससे पहले एक यह रास्ता आता है, यहाँ पर आपको मंदिर में चढ़ाने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाएंगी और मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सी चीज़ें मिल जाएगी, जैसे आप गाड़ी के आगे बांध सकते हैं कुछ मालाएं, कुछ मोतियों की मालाएं, रुद्राक्ष की मालाएं जैसे ये है, सो ये सब आप बांध सकते हैं और उससे भी रिलेटेड शिवलिंग है, देखिए ये सब चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं ताकि आपको अच्छे से एहसास हो जाए कि आप मंदिर पहुँचने ही वाले हैं।
सो ये प्रसाद हमने फटाफट से ले लिया है, इसके नीचे फूल हैं और ऊपर इसके प्रसाद है जिसमें मखाना, मूंगफली और बाकी मीठा प्रसाद है। महाकाल आए और वहाँ की छाप नहीं छुड़वाई तो फिर क्या फ़ायदा हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये बनवाया है। सबसे पहले इसमें चंदन लगाते हैं और फिर सिंदूर से उनके पास होता है बनाने का, तो उसमें महाकाल लिखा होता है, तो मैंने ये बनवा लिया। हालांकि मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन शिव जी की तो बात ही दूसरी है, तो मैंने सोचा कि बनवा ही लेते हैं, याद रहेगा कि हम भी कभी उज्जैन गए थे और इस तरह की चीज़ें की थी। पहले हमने सोचा था कि हम स्पेशल लाइन से जाएंगे, वहाँ पे 250 रुपये पर पर्सन लगते हैं और आपके जल्दी दर्शन हो जाते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि शाम हो चुकी है या फिर आज अभी जैसे वो नहीं चल रहा है सावन, या फिर मंडे नहीं है ना ही वीकेंड है, तो इसीलिए यहाँ पे कम भीड़ है। लगता है कि 15 से 20 मिनट में जो है दर्शन होने हो जाएंगे और शायद हमें गर्भगृह में भी जाने दें अगर हम रिक्वेस्ट करेंगे, पता नहीं अंदर क्या होगा, देखते हैं। ज्योतिर्लिंग जहाँ पर लोग जाते हैं, जिसमें से देखिए एक एमपी का ऑलरेडी आ चुका है, दूसरा आ चुका है एमपी का, और इसके बाद में चल ही रहा है देखिए तमिलनाडु, और ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र भी पास में है, यहाँ भी हम ज़रूर जाएंगे। ये है उत्तर प्रदेश का और ये है महाराष्ट्र, फिर उत्तराखंड है, उसके बाद भी महाराष्ट्र है। आज का दिन तो बहुत ज़्यादा खास हो गया क्योंकि दो फैक्टर हैं, नहीं तीन एक्चुअली, एक तो हम शाम को आए तो ठंड है, दूसरा यहाँ पर जो है फ़ोन अलाउड कर दिए हैं तो हम अंदर की वीडियोस जो है बना सकते हैं, देख सकते हैं बाद में, और तीसरा है कि यहाँ पर फटाफट दर्शन हो रहे हैं। अभी जस्ट मैंने एंटर किया है और विद इन 5 मिनट्स मुझे लगता है मैं अंदर गर्भगृह के पास में पहुँच जाऊँगी और आज हमारे दर्शन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो ये है गर्भगृह, मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि मैं यहाँ पे पहुँच पाई हूँ, वो भी इतनी जल्दी। मैं शिव जी को जितना भी इसके लिए धन्यवाद करूँ वो कम है। जय शिव बाबा, जय शिव बाबा, जय जय। ये है शिव जी के अलग अलग रूप।
यहाँ पर वो रास्ता भी है जो शीघ्र दर्शन का आप खुद देख पा रहे होंगे कि 250 रुपये में होता है। वहाँ से आपको मंदिर के अंदर डायरेक्ट दर्शन मिल जाते हैं और उसके बाद में ये खूबसूरत सा मंदिर आपको दिखता है जिसका नाम है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है और इसको और सुंदर बनाने के लिए यहाँ पर रंग बिरंगे रिबन्स भी लगाए गए हैं। और सामने से देखिए ये कैसा लगता है, ये नंदी जी हैं। खूबसूरत आर्किटेक्चर की मिसाल है ये मंदिर। ये है नंदी जी, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। ये है मंदिर के अंदर का दृश्य, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर। उसके बाद में यहाँ पे कई मंदिर हैं और बहुत ही सुंदर है। ये पूरे प्रांगण जो है मंदिरों से भरा हुआ है और एक बरगद का पेड़ भी है यहाँ पे। मैं कई मंदिरों में गई हूँ लेकिन इसके जैसी खूबसूरती ना शायद ही कहीं देखने को मिले। शायद ऐसा इसलिए भी है क्योंकि मैं दिल से यहाँ पे आना चाह रही थी और कब से मैं इंतज़ार कर रही थी कि यहाँ पे आऊँ। और बहुत खुशकिस्मत लोग होते हैं जिन्हें यहाँ पे आने का मौका मिलता है। ये देखिए यहाँ पे आरती हो रही है शायद गणेश जी की। नाम है श्री सिद्धि विनायक मंदिर। पालकी द्वार ये फिलहाल बंद पड़ा है। ये भी माता का एक मंदिर है। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन एक ही जगह पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ज़रूर आना है। ये वही माता का मंदिर है, यहाँ पे ये 11 शिवलिंग बने हुए हैं और 12वां जिसके मैं भी दर्शन करने आई हूँ वो है। गाड़ी तक का 1 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता है और वो 1 किलोमीटर का रास्ता बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि हम नंगे पैर जा रहे हैं और पैर में बहुत ज़्यादा कंकड़ जो है चुभ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी टूटी हुई भी है सड़क, तो उस वजह से बहुत दिक्कत हो रही है। लेकिन महाकाल के दर्शन हो जाएँ उसके लिए थोड़ा बहुत तो सही सकते हैं। फीमेल वॉशरूम, अक्सर मैं नहीं जाती हूँ पब्लिक टॉयलेट्स में। स्कैन हेयर टू अनलॉक डोर, ये बहुत ही ज़्यादा हाईटेक है। सो मैं आपको बता रही थी कि मैं नहीं जाती हूँ बाहर के टॉयलेट्स में क्योंकि मुझे बहुत गंदे लगते हैं, लेकिन ये टॉयलेट जो है मेरे घर के टॉयलेट से भी ज़्यादा साफ़ है। यहाँ पर देखिए प्लांटेशन है और इस सीट को जब आप यूज़ करेंगे ना तो आपको फ़्लश करने के लिए कहीं शायद जगह नहीं मिलेगी क्योंकि जब मैंने यूज़ किया तो इसका फ़्लश अपने आप चलने लगा और ये इसी तरीके से बहुत साफ़ सुथरा रहता है। और ये पूरा जो बाथरूम है आपको लगेगा ही नहीं कि आप उज्जैन जैसी जगह में आए हैं जो इतना धार्मिक है, क्योंकि अक्सर जब हम बहुत ज़्यादा भीड़ वाली जगह में जाते हैं ना तो वहाँ पर बहुत गंदगी भी होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसी चीज़ तो मैंने कहीं देखी ही नहीं। एक बार शिमला में देखा था लेकिन वो बहुत गंदा था, लेकिन ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप यहाँ से पैड ले सकते हैं, यहाँ पर पैड वेंडिंग मशीन है और इसी के साथ में ही यहाँ पर एक और बना हुआ है
सैनिटरी नैपकिन इंसिनेटर, आई डोंट नो ये किस चीज़ की मशीन है, लेकिन ये लेडीज के पैड से ही जुड़ी हुई है कुछ। तो यहाँ पे सोप भी है, ब्लोअर भी है, सब कुछ है यहाँ पे, बहुत बढ़िया और एकदम क्लीन है ये। सो अगर आपको भी वॉशरूम आए तो आप यहाँ पे ज़रूर जा सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड इनोवेशन। सो अगर आप उज्जैन आ रहे हैं और आपको थोड़ी सी टेंशन है कि आप बेबी को कहाँ फीड कराएंगे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब आप अपनी गाड़ी पार्क करेंगे, मंदिर के आगे ही है थोड़ा सा पार्किंग जहाँ पर है, तो वहाँ पर आपको लेडीज़ वॉशरूम के साथ में एक और जगह मिलेगी जिसका नाम है बेबी फीडिंग रूम। ये बेबी फीडिंग रूम 5 स्टार के होटल से भी अच्छा है। यहाँ पे देखिए शार है, इतना बड़ा मिरर है और बहुत ही साफ़ सफाई है, प्लांटेशन यहाँ पर भी है। सो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने इस चीज़ का ख्याल रखा है कि यहाँ पे महिलाएं आएंगी तो उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। दर्शन बहुत अच्छे से हो गए और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि चीज़ें इतनी अच्छे तरीके से हो जाएगी, इतनी जल्दी हो जाएगी। मुझे लगता है कि हमने 10 से 15 मिनट में ही दर्शन कर लिए थे, लेकिन जब हम पिछली बार आए थे अप्रैल का महीना था, वो बहुत गर्मी थी और हम बस से भी आए थे और इतनी लंबी लाइनें थी कि हमें 2 घंटे तो लग गए होंगे ना दर्शन करने में, 2 घंटे तो लग ही गए थे। तो आज हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, वो सिर्फ आर्या की वजह से। मुझे लगता है इसकी किस्मत में जो चीज़ें हैं ना वो इनडायरेक्टली हमें मिली जाती है, तो शी इज़ वेरी लकी फॉर अस। सो जाते हुए मैंने ये देखा, हमारे यहाँ पे इसे पता नहीं क्या बोलते हैं, बचपन में हम इसे बुड्ढी के बाल बोलते थे, तो कैंडी फ्लॉस बोलते हैं शायद इसे। सो मुझे ये बहुत पसंद है बचपन से, अब तो इसमें कलर्स भी काफ़ी आ गए हैं, येलो है, ऑरेंज है, पिंक है। सो ये मैंने ले लिया, मैंने कहा चलो बचपन की यादें ताज़ा हो जाएगी। अभी हम घर जा रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा जाने में 1-1.5 घंटे का, क्योंकि 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है और मैंने दोपहर को बस लंच किया था, तो इसीलिए हम जो अंगूर लेके आए थे संडे को वो हम सारे ही ले आए, क्योंकि जब हम ट्रैवलिंग करते हैं ना तो फ्रूट्स वगैरह अपने साथ लेके ज़रूर चलने चाहिए, जो कि ईजी टू ईट हो, जिनको ज़्यादा कुछ छीलना विलना धोना वोना ना पड़े। अंगूर को हम घर से धो के लाए थे, खूब सारे अंगूर लाए थे, तो मैंने सोचा कि रास्ते में खा लेंगे। और एक्साइटमेंट सुबह इतनी ज़्यादा थी कि हमने जो कल सामान खरीदा था कि हम रास्ते में खाएंगे, चिप्स चॉकलेट्स जो भी थी, सब कुछ हम घर छोड़ा है। इतना भी इंसान को एक्साइट नहीं होना चाहिए कि वो जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें ही भूल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, फर्स्ट ट्रिप में इतना फियास्को तो चलता ही है, इतनी गड़बड़ नहीं होगी तो अगली बार याद क्या रखेंगे। गए हैं विजयनगर, रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा नहीं था तो हम जल्दी आ गए। तो अभी 9:30 बज रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि जहाँ हम जाने वाले थे इंडियन कॉफ़ी हाउस वो खुला रहेगा, क्योंकि हमें पहुँचने में टाइम लगेगा। विजयनगर में थोड़ा सा ट्रैफिक होता है रात को, तो पता नहीं कैसी सिचुएशन होगी, तो इसलिए हम चेकआउट करेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो हम विजयनगर में कुछ खा लेंगे या फिर घर जाके ही बनाएंगे, क्योंकि आर्या भी सो गई है तो मैं आराम से खाना बना सकती हूँ। यहाँ पे मेट्रो का काम चल रहा है काफ़ी साल से, 2 साल तो बीच में कोविड ही चल रहा है, उससे पहले भी मेट्रो का काम चल रहा था। इंदौर शहर में थोड़ा सा ट्रैफिक है जाने की, तो ऐसे में यहाँ पे मेट्रो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आई बिलीव जैसे दिल्ली में बहुत बड़ा बूम साबित हुई है मेट्रो, वैसे ही इंदौर सिटी में भी होगी। अंदर
अंदर आ गए हैं और आप हमारे चेहरे से देख सकते हैं आ रहे कि तो नहीं, क्योंकि ये सारा रास्ता सोती आई है, जाते हुए भी आते हुए भी इसने अपनी डाइट और अपनी नींद का पूरा ध्यान रखा। सो आप कह सकते हैं कि कॉन्शियस है काफ़ी, लेकिन ये फ्रेश भी काफ़ी लग रही है। सो हम दोनों काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं और अब इतना बुरा हाल हो गया कि घर पे खाना शायद ना बनाया जाता, तो इसीलिए इंडियन कॉफ़ी हाउस की तरफ हम आए। हमने कहा चेक कर लेते हैं एक बार, हालांकि इतनी देर तक खुला नहीं रहता है, लेकिन थैंकफुली ये खुला था और हमने अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया है।